नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी जो है हम देखेंगे इसके अलावा बात करते हैं पेपर है कब आपका तो पांच तारीख को आपका गणित का पेपर है बाकी जो ये अन्य विषय है क्योंकि गणित में ज्यादातर लोगों की जो है वो बैक रहती है इस चक्कर में जो है हम गणित विषय को ही मुख्य तौर पर लेकर के उसकी सारी चीजें आपको कंप्लीट करा भी चुके हैं अब ये मॉडल पेपर जो है हम देखेंगे तो टोटल ग्यारह प्रश्नों का मॉडल पेपर होगा पांच बहुविकल्पीय और छह अति लघु और लास्ट में एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे तो आपको वीडियो के मेन कमेंट में अपना स्कोर और जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर दोनों चीज जो है है, है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं हम पांच बहुविकल्पी से तो सबसे पहला बहुविकल्पी है आपका एक वर्ग का विकर्ण आपको दे रखा है पांच रूट टू सेंटीमीटर तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपसे जो है वो पूछा गया था और चार ऑप्शन भी दे रखे थे आपको बताना था कौन सा सही होगा तो चलिए बात करते हैं आंसर की तो सबसे पहले यहां पर आपको बताना चाहिए वर्ग का जो विकर्ण है इसका सूत्र क्या होता है तो भुजा रूट टू जो है इसका सूत्र होता है इसीलिए मैंने आपको फॉर्मुले सभी कहे थे याद कर लीजिएगा क्योंकि फॉर्मुले अगर आपको नहीं याद होंगे तो आप कभी नहीं प्रश्नों को कर पाएंगे तो भुजा रूट टू ऑलरेडी वर्ग का विकर्ण यहां पर फाइव रूट टू दे रखा है तो भुजा रूट टू फॉर्मुला होता है तो भुजा रूट टू को हम फाइव रूट टू के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि प्रश्न में वैल्यू दे रखी है अब यहां से आप भुजा निकाल सकते हैं भुजा निकाल निकालने के लिए इस रूट को बटे में ले जाएंगे तो ये रूट से ये रूट टू कट जाएगा तो भुजा आपकी पाँच जो है यहाँ से निकल के आ जाएगी तो पाँच सेंटीमीटर आप कह सकते हैं प्रश्न में पूछा गया था वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए तो वर्ग का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है या भुजा भुजा भी आप कह सकते हैं तो यहाँ पर जब आप मान रखेंगे तो पाँच आपकी भुजा हमने ऊपर निकाली और गुड़े इस टाइप से मान आप रख देंगे तो फाइव फाइव जो होता है आपका ट्वेंटी तो सेंटीमीटर आपका आ जाएगा और इसे स्क्वायर कह सकते हैं क्षेत्रफल है तो यहां पर भी ऑप्शन में स्क्वायर कर लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल आपका पच्चीस सेंटीमीटर ऑप्शन डी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा देखते हैं हमारा दूसरा प्रस्न। दूसरा प्रश्न प्रश्न था आपका का होल क्यूब इसका मान आपको बताना था इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे थे इस टाइप से आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न आए उसमें वर्गमूल घनमूल पूछा गया है मैंने थोड़ा सा प्रश्न बदल के दिया था क्यूब करने को पूछ लिया गया था तो आप इसे बेसिकली तीन बार गुड़ा करके कर सकते हैं या आपका जो दूसरा तरीका होता है शॉर्ट तरीका होता है वो इस जीरो को आप गुणा करिए और सिक्स को सिक्स का जो क्यूब है वो करिए उसके आधार पर आंसर निकालिए तो वो भी आपका तरीका होता है इन चारों में से आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। बाकी मल्टीप्लाई तो आप सब कर ही सकते हैं तो आपका ऑप्शन डी वाला पर सही हो जाएगा। जीरो पॉइंट जीरो 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 टू वन सिक्स ये आपका हो जाएगा और नॉर्मल तरीके से अगर आप देखेंगे तो जीरो का क्यूब तीन बार जीरो सिक्स का क्यूब दो सौ सोलह दसमलव आपको ऑलरेडी है तो इस टाइप से भी आप देख सकते हैं देखते हैं हमारा अगला प्रश्न तीसरा तीसरा प्रश्न है आपका यानी कि मल्टीप्लाइड और डॉट इसका मान जो है आपको बताना था चार ऑप्शन भी आपको दिए थे बात करते हैं आंसर की तो यहां पर आप सभी के फॉर्म में लिख देंगे कॉट थीटा जो है इसको आप क्या लिख सकते हैं तो थीटा अपॉन साइन थीटा जो है वो लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन थीटा होता है और कॉट ठीटा बराबर जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा फिर मल्टीप्लाइड लगा सकते हैं डॉट आपको, आपको है। फिर प्रकार से हो गया। आप सारी आप पर कट रही है। ये साइन ठीटा कट जाएगा ये कॉस्टिटा से ये कॉस्ट हीटा बच जाएगा कट जाएगा बचेगा क्या केवल एक बचेगा तो सी वाला आपका ऑप्शन वन बिल्कुल सही हो जाएगा देखते हैं हमारा अगला प्रश्न चौथा चौथा प्रश्न था आपका तीन क्रमागत पूर्णांक जो है उनका योग आपको तीस जो है वो प्रश्न में दे रखा है तो उनके बीच का पूर्णांक जो है आपको बताना है देखिए बहुविकल्पी में प्रश्न आया मैंने प्रश्न दिया था कि आप इस प्रकार के प्रश्न आए तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं अब देखिए ऑप्शन से आप कैसे करेंगे प्रश्न में कह रहा है तीन क्रमागत पूर्णांकों का योग तीस है जब योग ही तीस है तो जाहिर सी बात है कि जो संख्या है उनके बीच का पूर्णांक पूछा है तो अट्ठाईस तो किसी भी हाल में प्रश्न में आंसर नहीं आ सकता क्योंकि बीज की संख्या टोटल आपको तीन संख्याएं लेनी है कुछ इस प्रकार से जिनका जो योग है वो तीस के बराबर हो और ये भी लिखा है उनके बीच का पूर्णांक यहाँ पर जो है वो क्या आएगा ये आपको बताना है अब यहाँ पर आप बीच में यही जो ऑप्शन दे रखें इनको रख के देख लीजिए उससे एक पहले संख्या एक बाद वाली संख्या देख लीजिए तीस उनका ऐड है कि जोड़ है कि नहीं अब जैसे कि यहाँ पर आप पंद्रह रखेंगे तो पंद्रह उससे पहले एक संख्या कौन सी आती है पूर्णांक चौदह आती है और उसके बाद आती है सोलह तो सोलह पंद्रह चौदह अब जोड़ेंगे तो तीस से कहीं ऊपर निकल जाएगा तो पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल नहीं होगा पंद्रह बड़ी संख्या पड़ रही है तो आपको अट्ठारह नहीं रखना है अट्ठारह भी नहीं होगा आप डायरेक्ट दस को रखिए दस बीच में आप रखिए दस से पहले आपकी संख्या नौ नौ और दस के बाद ग्यारह तो दस नौ दस ग्यारह तीनों को जोड़ेंगे तो आपका तीस के बराबर आएगा यानी आप क्या कहेंगे उनके जो बीच का पूर्णांक है वो दस जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा तो ये तीन क्रमागत पूर्णांक का योग भी सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रकार से भी प्रश्नों को करने की आदत डालिए इस प्रकार से प्रश्न आप जब कॉम्पिटिशन लेवल पर प्रश्न करते हैं तो करते हैं क्योंकि वहां पर आपको समय बचाना होता है पर कई बार क्या होता है जो आप इसे एक्स मान के करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा, तो आपको ऑप्शन से भी करना आना चाहिए देखते हैं हमारा अगला लास्ट लास्ट आपका चित्र पर आधारित संलग्न आकृति में बिंदु ओ जो है वृत्त का केंद्र आपको दे रखा है ए सीबी की वैल्यू आपको 40 डिग्री देखिए दे, दे रखी है प्रश्न में तो एओबी की माप बतानी थी और मैंने क्या बताया था आपको इस पर बेस्ड एक प्रमेय है जो अगर आपको पता है तो आप इसे दो सेकंड में टिक कर देंगे और प्रमेय क्या होती है यहाँ पर आप देखिए तो ये वाला जो कोड़ है ये आपका केंद्र पर बना हुआ है यहाँ पर जो चालीस डिग्री बना हुआ है ये आपका परिधि पर बना हुआ है बस इसी पर बेस्ड जो है आपकी प्रमेय है ये परिधि पर बना हुआ है ये, पर पर बना है ये केंद्र पर बना हुआ है और प्रमेय आपकी होती है कि व्रत में एक चाप द्वारा केंद्र लिए लिए पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष जो परिधि है उसके किसी बिंदु पर बने जो कोण होता है उसका दुगना होता है यहां पर अगर आपका ये चालीस है तो ये केंद्र पर बना कोड जस्ट इसका डबल हो जाएगा यानी कि अस्सी डिग्री आपका हो जाएगा यानी कि आपका ऑप्शन डी में से डी वाला अस्सी डिग्री जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा तो पांच बहुविकल्प समाप्त हुए लास्ट में सभी लोग अपना स्कोर अवश्य बताइएगा कि कितने टोटल आपके प्रश्न सही रहे बढ़ते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सभी लोग लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा सारी मेहनत की जा रही है है तो 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 आप सभी सभी का एक लाइक लाइक वीडियो तो वीडियो पर बनता ही ही तो लोग वीडियो को और साथ ही साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर छह अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी थी जो कि पूर्ण वर्ग जो है वो हो इसके लिए सबसे पहले आपको छह अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या जो है वो लिखनी होगी तो जब संख्या छोटी की बात की जाती है तो वन डबल जीरो या वन जीरो जीरो के फॉर्म में हम लिखते हैं तो एक आपका इस प्रकार से हो जाएगा और आप एक दो तीन चार पाँच जीरो लगा सकते हैं तो एक दो तीन चार पाँच छ अंकों की आपकी संख्या हो गई छोटी से छोटी से एक नीचे जाएंगे तो वो आपकी पांच अंकों की संख्या हो जाएगी तो छ अंकों की ये सबसे छोटी से छोटी संख्या हो गई अब आपको क्या करना है इसका आपको निकाल लेना है वर्गमूल वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में आपका वर्गमूल निकल कर आएगा जितना भी निकल के आए मान लीजिए यहां पर जो एक्चुअल निकल के आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ तीन सौ सोलह दो दो सात इस प्रकार से आपका निकलकर आएगा ये आपका जो मान निकल कर आया इस ये ये दर्शाता है कि तीन सौ सोलह से आप और आगे बढ़ रहे हैं अगर तीन सौ सत्रह पर तो तीन सौ सत्रह जो है इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे जो भी संख्या आपको प्राप्त होगी वो वो संख्या होगी जो छोटी से छोटी संख्या होगी जिसका आप स्क्वायर करेंगे और सबसे छोटी छोटी संख्या छः अंकों की भी होगी यही अगर आप तीन से या तीन का स्क्वायर करेंगे तब आपका ये ये जहाँ पर जो संख्या लिखी है इससे नीचे चला जाएगा इसलिए जस्ट आप इस संख्या को कंप्लीट कर लेते हैं जैसे कि तीन सौ सोलह दस है तो तीन सौ सत्रह इसका हम स्क्वायर करेंगे तो आपका वन जीरो जीरो फोर एट नाइन ये आपका आएगा और यही आपका आंसर सही हो जाएगा छे अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग होगी और किसका होगी 317 का वर्ग होगी तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसके और भी बहुत से तरीके होते हैं पर ये मुझे थोड़ा सही तरीका लगा जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा बाकी और भी होता है एल्सियम निकालिए फिर उसमें कितना सेज बच रहा है उसको देखिए उस तरीके से तो ये तरीके से आप इसे कर सकते हैं देखते हैं हमारा अगला प्रश्न सातवां एक घनाभ की भुजाएं आपको पांच सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर और पांच सेंटीमीटर जो है वो दे रखी थी और एक हजार सेंटीमीटर क्यूब में ऐसे कितने छोटे बनेंगे ये आपको जो है वो बताना था तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि घनाब जो है इसका आयतन क्या होता है घनाब का आयतन आपको मैंने बताया था लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई ये आपका होता है लंबाई आपको प्रश्न में पांच दे रखी है उसके बाद जो चौड़ाई है वो दो दे रखी है और ऊंचाई जो है आपको पांच दे रखी है तो आप इसको निकाल सकते हैं आयतन आयतन आपका यहाँ से कितना निकल के आएगा तो आप कहेंगे फाइव टू जा टेन और टेन फाइव जा फिफ्टी आएगा तो यहाँ से आप क्या कहेंगे पचास वैसे अगर ना भी निकाले तो आपको तो यहाँ पर घनाब की संख्या निकालनी है तो आप ऐसा करिए चलिए अच्छा निकाल ही लेते जब कर लिया इसको ये आपका हो गया फिर आगे प्रश्न में कह रहा है एक हजार सेंटीमीटर क्यूब घनाब में ऐसे कितने छोटे घनाब जो है वो बनाए जा सकते हैं यानी कि जो एक हजार सेंटीमीटर क्यूब की बात की गई है ये आपका एक बड़ा घनाब है इस बड़े घनाब में से इस जो यहाँ पर माप दे रखी इसके कितने घनाब काटे जा सकते हैं ये पूछा गया है तो बड़े घनाब में से अगर हम जो बड़ा घनाब है उसके आयतन में से हम छोटे घनाब के आयतन को हम घटा डिवाइड कर दें तो आप संख्या निकाल सकते हैं तो ये जो है आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब है ना देख रहे हैं अब तो ये खुद ही यहाँ पर दे रखा है आयतन दे रखा है तो आप यहां पर नीचे क्या लिखेंगे कि नए घनाब की संख्या नए की संख्या बराबर और संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे आप जो बड़ा घनाब है उसका आयतन जो कि आपको प्रश्न एक हजार ऑलरेडी दे रखा है और बटे छोटे घनाब का आयतन जो कि अभी आपने ऊपर पचास निकाला इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका जीरो से जीरो कट जाएगा पांच से काटेंगे तो पांच दोनों दस और जीरो यानी कि बीस घनाभ आपका घनाभ की संख्या यहाँ पर निकल के आ जाएगी तो ये आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा इस पर बेस्ड क्वेश्चन पासे पर भी आधारित आते हैं अलग अलग तरीके से आते हैं बस आपको मेन ध्यान रखना है घनाभ की संख्या इस टाइप से पूछी जाएगी तो आप ऐसे जो है प्रश्न को करेंगे अगला प्रश्न इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि पेपर जब भी आपका हो इनमें से किसी भी माध्यम से हमको पेपर भेज दीजिएगा ताकि इसका सोल्यूशन जो है वो कराया जा सके फेसबुक पर बालाजी स्टडी एट टेलीग्राम पर विमल सेवनटीनजट इंस्टाग्राम पर विमल सिंह सेवनटीनजट और जीमेल आई पर विमल सिंह बारह बारह एट द रेट जीमेल डॉट कॉम इनमें से किसी भी माध्यम से पेपर आप हमको भेज दीजिएगा चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे प्रश्न देखते हैं आपका आठवां किसी प्रतियोगी परीक्षा में 86 कुल सीटें हैं और चयन के लिए कुल हजार अभ्यर्थी जो है उस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं तो प्रत्येक अभ्यर्थी के चयनित होने की जो संभावना है वो दूसरों के समान है तो एक अभ्यर्थी के चयन हेतु संभावना जो है आपको बतानी है तो प्रायिकता का आपका प्रश्न कैसे करेंगे आप प्रत्येक अभ्यर्थी के चयनित होने की संभावना का जो संख्यात्मक मापन है वो निकाल लेंगे और वो यहाँ पर क्या है जो 86 सिक्स सीटें आपको दे रखी हैं ये और छियासी हजार अभ्यर्थी दे रखे हैं ये तो इसके बराबर आपको निकालने के लिए इस दोनों को डिवाइड कर देना है प्रायिकता के लिए इस टाइप के मैंने प्रश्न आपको कराए भी थे इस प्रकार से आप लिखेंगे पूरा स्टेटमेंट पर जरूर लिखेगा कि प्रत्येक अभ्यर्थी के चयनित होने की संभावना का संख्यात्मक मापन बराबर छियासी बटे छियासी हजार अब इसे आप काटेंगे तो किससे कटेगा एट्टी वन सिक्स वन या सिक्स एक बार में जाएगा और नीचे वन जीरो 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 तीन जीरो आएंगे ना तीन जीरो हाँ। तो एक बटे एक हजार आपका यहां से निकलकर आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा यहां आप क्या कहेंगे कि प्रत्येक अभ्यर्थी के चयनित होने की संभावना एक बटे एक हजार जो है वो आपकी होगी तो इतना सरल सा प्रश्न था देखने में देखिए कितना बड़ा लग रहा था कुछ लोग ऐसे देख के ही प्रश्न छोड़ आते हैं कोशिश कीजिए आप उसके दो चार स्टेप सॉल्व करने की स्टेप मार्किंग भी होती है अगला प्रश्न देखते हैं हमारा नवा प्रश्न देखते हैं नवा संख्याओं पंद्रह सोलह पंद्रह सात इक्कीस अट्ठारह उन्नीस बीस ग्यारह बारह इन सभी की आपको माध्यिका जो है वो ज्ञात करनी है अब देखिए माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि इन आंकड़ों को आपको व्यवस्थित करना है और किस क्रम में तो आप कहेंगे आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर पूरा लिखेगा मैंने तो डायरेक्ट आरोही लिख दिया है अब आरोही में सबसे छोटी संख्या से बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं यहां पर सबसे छोटी संख्या सात है ये देखिए सात लिखा हुआ है उससे बड़ी संख्या आपकी ग्यारह है कॉमा ग्यारह उसी प्रकार आपका फिर बारह आ रहा है फिर आपका पंद्रह आ रहा है एक और बार पंद्रह आया दो बार पंद्रह आया आपका फिर यहाँ पर सोलह आया है फिर अट्ठारह आया है इसी प्रकार आपका उन्नीस आया है फिर बीस आया है फिर इक्कीस आया है तो ऊपर संख्या गिन लीजिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस यहाँ पर गिन लीजिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस पूरी संख्या हो गई आपकी अब आपने संख्याओं को गिना कितनी है दस है दस क्या है आपकी एक सम संख्या है तो सम और विषम के आधार पर हम सूत्र लगाते हैं सम संख्या का सूत्र आपका क्या होता है इन संख्याओं को मैं रब कर देता हूं ताकि थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस मिल जाए या, या ऐसा करते हैं कि उन्नीस बीस इक्कीस को यहाँ से हटाकर इस साइड में लिख देते हैं इसके ऊपर उन्नीस बीस एक किस और यहीं पर कर देते हैं आपका सम संख्या का फॉर्मूला होता है एक बटे दो फिर एन बाई टू पद, ये होता है आपका सम संख्या का प्लस लगाएंगे आप एन बाई टू प्लस वन पद, ये आपका जो है वो होता है आपका सूत्र तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि एक बटे दो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एक बटे दो को तो आप ऐसे ही रखे रहने देंगे उसके बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे एन बाई टू व पद जो है यहाँ पर एन की जगह आप क्या रखेंगे यहाँ पर जो संख्या थी टोटल दस थी तो आप रखेंगे दस और बटे में दो और फिर वहाँ पद फिर आप क्या करेंगे प्लस का चिन्ह लगाएंगे फिर यहाँ पर भी आप दस रखेंगे बटे दो करेंगे और प्लस वन लगाएंगे और ये ब्रैकेट इस प्रकार से बंद कर देंगे और साथ ही लास्ट में वहाँ पद भी लिखेंगे क्योंकि लास्ट में आपको पद भी देखना होता है कौन सा जो है वो आ रहा है और एक और ब्रैकेट इधर से भी आप दो ब्रैकेट लगा सकते हैं ताकि वो पूरा वाला कंप्लीट बंद हो जाए फिर यहां पर जो आपका मान है वो रखेंगे तो दस बटे दो वा पद यहाँ पर कौन सा आएगा थोड़ा सा शॉर्ट में कर देते हैं तो ये आपका पांचवा आ जाएगा दो एक नाम दो, दो पंचे दस होगा तो पांचवा पद और यहां पर आपका सॉल्व करने पर पांच प्लस एक छठा पद तो यहां से क्या निकल कर आएगा एक बटे दो पांचवा प्लस छठवा पद इन सारी चीजों को रफ कर देते हैं और इसी लाइन में जो है यहाँ पर लिख देते हैं तो आपका एक बटे दो पांचवा पद आपका कौन सा है तो यहां से आपको देखना होगा पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे पर पंद्रह आ रहा है तो आप क्या कहेंगे पांचवे पर पंद्रह तो पंद्रह प्लस फिर छठे पर आप देखेंगे तो आपका यहां पर सोलह आएगा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवे पर पंद्रह ये वाला पंद्रह आ रहा है ये पहले वाला नहीं और छठे पर सोलह आ रहा है यहां पर आप सोलह रखेंगे और इसको इस प्रकार से ब्रैकेट बंद कर देंगे और ये जो व पद लिखा था ये आपका इसी के लिए था इसको आप ये ना समझिएगा कि पूरे ओवरऑल के ब्रैकेट के साथ है ये मैंने ब्रैकेट पूरे को इसमें डिफाइन करने के लिए लिख दिया था तो यहाँ पर आपका इतना हो गया अब यहाँ इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो एक बटे दो और पंद्रह में सोलह जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा इकतीस आएगा तो इकतीस और इसका इकतीस का आधा कितना होता है तो आप कहेंगे पंद्रह दशमलव पांच जो है वो होगा तो पंद्रह दशमलव पांच आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा ये आपका हो गया नवा प्रश्न देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दसवां दसवा प्रश्न था आपका त्रिकोण मिति पर आधारित त्रिकोण मिति पर आधारित तो अच्छा प्रश्न था इसमें आपको क्या करना होता है जब इस प्रकार के कभी भी प्रश्न आए तो अंश और हर में जो नीचे वाली संख्या दे रखी होती है या नीचे जो भी मान दे रखा होता है इसके जस्ट अपोजिट साइन से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं इसी को यहाँ पर नहीं थोड़ा सा जगह जो है इसमें स्पेस चाहिए होगा तो मैं इसको बैक करके सारे प्रश्न हटा देता हूँ फिर से प्रश्न नोट कर देता हूँ तो ये आपका प्रश्न मैंने इससे अलग से लिख दिया है अब इसको सॉल्व करते हैं तो मैंने कहा वन प्लस थीटा है, कि वन थीटा जो है, ये भी आपका ये ध्यान रखिए अगर ये अंडर रूट में तो यहाँ पर भी आपका टोटल अंडर रूट में ही रहेगा और बटे में भी आपका वन माइनस कॉस्ट से ही जो है वो गुड़ा करेंगे और टोटल का आप अंडर रूट भी साथ में लगा दीजिए तो ये आपका जब गुड़ा कर रहे हैं तो आप इसको पूरे में लगा दीजिए ये तरीका सही होगा अब गुड़ा आप करेंगे तो ऊपर वन माइनस कॉस्टीटा है ऊपर भी वन माइनस है दोनों गुड़ा करेंगे तो वन माइनस होल स्क्वायर आपका आ जाएगा और बटे में आपका वन प्लस कॉस्टी वन माइनस कॉस्टी ए प्लस भी ए माइनस भी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर इस प्रकार से आपका हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा भी आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीठा और वन का स्क्वायर वन ही होता है तो शॉर्ट में यहां पर भी वन ही लिख देते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीठा आपका आएगा तो यहाँ पर फॉर्मूला आपने एक देखा फिर नीचे वाला जो पॉइंट है इसका भी अलग से एक फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर साइन में लिखता हूँ वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन ये फॉर्मूला होता है अब यहाँ से दे देखिए वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं साइन स्क्वायर ठीटा को आप वन माइनस

और साथ ही साथ आपका इस प्रकार से अंडर रूड अब देखिए आपका बटे में जो है ये भी स्क्वायर में है ऊपर वाली जो संख्या है वो भी स्क्वायर में है और साथ में आपका रूट भी लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे स्क्वायर से इस रूट को जो है वो काट देंगे तो यानी कि आपका यहां केवल वन माइनस कॉस्ट ठीटा बटे साइन ठीटा जो है आपका बचेगा अब इसको आप एक स्टेप आगे और सॉल्व करेंगे जो साइन ठीटा वैल्यू दे रखी है दोनों के बटे में अलग अलग कर लीजिए वन माइनस साइन ठीटा और ये बीच वाला माइनस चिन्ह और ऊपर कॉस्टीटा ऑलरेडी आपका था और बटे में आपका साइन टीटा मैंने कुछ नहीं किया है केवल अलग अलग जो है इसको लिख लिया है अब यहाँ पर लिखने का मेन रीजन है इसको आप और ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं तो वन थीटा आपका होता है थीटा के बराबर मैंने पूरा त्रिकोण अलग से पढ़ा रखा है आपने नहीं देखा है तो जाइए टॉपिक वाइज वाले वीडियो में जो है सारी चीजें आप देख सकते हैं और कॉस्टिटा साइन टीटा आपका कॉट ठीटा के बराबर होता है तो ये आपका आंसर थीटा माइनस कॉट थीटा ये आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा और इस प्रकार के प्रश्न आपके अति लघु में तो नहीं आते हैं लघु में जरूर पूछे जाते हैं तो आने आपको अवश्य चाहिए क्योंकि दो दो नंबर भी बहुत मैटर करते हैं तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा देखते हैं हमारा आ, अगला प्रश्न अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है ग्यारह वीडियो आपने अभी तक लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और साथ ही साथ इसी प्रकार अन्य सब्जेक्ट के भी मॉडल पेपर आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूं चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं देखते हैं हमारा प्रश्न कि किसी तीन मीटर व्यास का चौदह मीटर गहरा कुआं तीस रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपए खर्च करना होगा तो यहाँ पर जो बात की जा रही है कुएं की वो आपका जो है किस शेप में है तो आप कहेंगे कुआं आपका एक बेलन के शेप का होता है कुछ इस प्रकार से आप देखते हैं बेलन का शेप होता है सेम उसी प्रकार आपका कुआं होता है तो इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर बेलन का आयतन लगाना पड़ेगा और बेलन का आयतन का सूत्र आपका क्या होता है तो मैंने बताया था बेलन का आयतन का सूत्र जो है आपका आगा पाई आर स्क्वायर एच जो है वो होता है पाई की वैल्यू आपकी बाईस बटे सात होती है त्रिज्या देखिए प्रश्न में लिखा है तीन मीटर व्यास का यानी कि व्यास जो है इसका यानी जो त्रिज्या होगी वो इसकी आधी होगी यानी कि एक दशमलव पांच आपका मीटर में हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू दोनों मीटर में दे रखी हैं जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दो गुना होता है और जस्ट इसको अपोजिट भी आप कह सकते हैं तो यहां पर आर की जगह आप क्या रखेंगे एक दशमलव पांच और स्क्वायर है तो गुड़े एक दशमलव पांच और एच जो है इसका मान आपको कितना दे रखा है तो आप कहेंगे फोर्टीन दे रखा है लिखा है ना व्यास का चौदह मीटर गहरा कुआ है तो चौदह मीटर मीटर गहरे का मतलब क्या है इसकी ऊंचाई तो है तो आप कहेंगे बिल्कुल तो यहाँ पर आपका चौदह आप रख देंगे अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप तो आपका यहाँ से सॉल्व करने पर निन्यानवे घन मीटर आएगा डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं सोल्व आप स्वयं से कर सकते हैं ये आपका आया क्या आया ये आया आपका आयतन प्रश्न में क्या पूछा गया था प्रश्न में कह रहा था कि तीस रुपए की दर से खोदने में कितने रुपए खर्च करने होंगे अब खोदने में यहां पर रुपए खर्च करने हैं किसके हिसाब से तीस रुपए निन्यानवे घन मीटर पूरा जो है आपका आयतन है तो सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि खोदने में खर्च हुए रुपए बराबर निन्यानबे जो आपने निकाला आयतन गुड़े तीस रुपए प्रति की दर से है ना तो गुड़े तीस बराबर आपका दो हजार नौ सौ सत्तर रुपए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न रखे थे कि अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे जो है आप कर सके तो सारे हमारे प्रश्न इसी के साथ समाप्त हुए और नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है चतुर्थ सेमेस्टर के लिए हम आपको 5 मई 2022 का जो एग्जाम आपका प्रस्तावित है गणित विषय का उसके लिए मॉडल पेपर जो है वो कराएंगे साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी जो है हम देखेंगे इसके अलावा बात करते हैं पेपर है कब आपका तो पांच तारीख को आपका गणित का पेपर है बाकी जो ये अन्य विषय है क्योंकि गणित में ज्यादातर लोगों की जो है वो बैक रहती है इस चक्कर में जो है हम गणित विषय को ही मुख्य तौर पर लेकर के उसकी सारी चीजें आपको कंप्लीट करा भी चुके हैं अब ये मॉडल पेपर जो है हम देखेंगे तो टोटल ग्यारह प्रश्नों का मॉडल पेपर होगा पांच बहुविकल्पीय और छह अति लघु और लास्ट में एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे तो आपको वीडियो के मेन कमेंट में अपना स्कोर और जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर दोनों चीज जो है वो बतानी है, है। चलिए स्टार्ट करते हैं तो सभी प्रश्न हमने जो है वो देख लिए टोटल इन ग्यारह प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही रहे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में अवश्य जो है वो बताइएगा साथ ही साथ जैसे कि सभी वीडियो में आप कि प्रश्न पूछते हैं उस प्रश्न को देखने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर जो है वो करते रहिएगा तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसको आपको सॉल्व करके वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताना है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग जो है वो बारह है यदि उस संख्या में से 36 जो है उसको घटा दिया जाए तो संख्या जो है उसके अंकों का स्थान जो है वो बदल जाता है तो संख्या आपको जो है वो बतानी है तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने जो आपको लगातार क्लासेस कराई उन सभी में सारी चीजें बताई तो उसी अकॉर्डिंग आपको जो है इसको सॉल्व करना है और आंसर जो है वो ट्राई अवश्य कीजिएगा गलत सही जो भी हो क्योंकि मैथ ऐसी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीजें आपको नहीं आएंगी तो ये था ओवरऑल हमारा मॉडल पेपर पांच तारीख के पेपर के लिए आप सभी को एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं अच्छे से अच्छा पेपर करके आइएगा तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ प्रश्नों के साथ नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि पेपर जब भी आपका हो इनमें से किसी भी माध्यम से हमको पेपर भेज दीजिएगा ताकि इसका सॉल्यूशन जो है वो कराया जा सके फेसबुक पर बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम पर टोटल इन ग्यारह प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही रहे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में अवश्य जो है वो बताइएगा साथ ही साथ जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे प्रश्न पूछते हैं उस प्रश्न को देखने से पहले चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर जो है वो करते रहिएगा तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसको आपको सॉल्व करके वीडियो को मेन कमेंट में आंसर बताना है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग जो है वो बारह है यदि उस संख्या में से छत्तीस जो है उसको घटा दिया जाए तो संख्या जो है उसके अंकों का स्थान जो है वो बदल जाता है तो संख्या आपको जो है वो बतानी है तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने जो आपको लगातार दस क्लासेस कराई हैं उन सभी में सारी चीजें बताई हैं तो उसी अकॉर्डिंग आपको जो है इसको सॉल्व करना है और आंसर जो है वो ट्राई अवश्य कीजिएगा गलत सही जो भी हो क्योंकि मैथ ऐसी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीजें आपको नहीं आएंगी तो ये था ओवरऑल हमारा मॉडल पेपर पांच तारीख के पेपर के लिए आप सभी को एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं अच्छे से अच्छा पेपर करके आइएगा तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ प्रश्नों के साथ नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद